जनता क्या पसंद कर रात के साथ जनता है, विश्वास है, कमलनाथ जी के विश्वास है की जनता। और अगर कमल आप हम घोटालों से त्रस्त आ चुकी है, एक के बाद घोटाले, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, एक के बाद युवा परेशान हो चुका है शिवराज मामा से, एक के बाद घोटाले किए जा रहे हैं व्यापम में। और उसके भाजपा के विधायक घर घर दारू सौंपने का काम करते हैं, हर गांव दारू पहुंचाने, कंट्रोल मिले या ना मिले मगर दारू का ठेका आपको हर गांव में मिलेगा। साथ आप अत्याचार देख रहे हैं आदिवासियों के साथ आप अत्याचार। सवाल तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम पहुंचे तो कमलनाथ भी बागेश्वर धाम पहुंच गए। जी वो उनकी श्रद्धा है, वो किसको मानते हैं, सबकी अपनी अपनी हिंदू धर्म है तो भगवान को ही पूजेंगे मानेंगे। पर रहे की नकल कर रहे हैं कमलनाथ शिवराज की नकल कर रहे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो श्रद्धा करेंगे सारे। कौन क्या भागवत गीता कुरान नहीं पढ़ सकता, क्या नहीं करवा सकता, सब करवा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। मध्य प्रदेश में क्या कोई का वो है जनाधार कि वो चाहेगा वही होगा, सब बुला सकते हैं। जो कह रहे थे आप, जितना कमल शिवराज जी को है हक। चौबीस में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल इसी महीने नवंबर के महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत भी हो चुकी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में देखा जाए तो पाला बदलते हुए कई दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कई बार अटकलें तेज हुई हैं कि वह मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं या फिर कांग्रेस की तरफ एक बार फिर से उनका रुख हो सकता है। तो क्या सिंधिया की वाकई में कांग्रेस में वापसी हो सकती है? ये बेहद बड़ा अहम सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सिंधिया के जो समर्थक रहे जिनमें नाराजगी देखने को मिली पार्टी हाईकमान से और वह कांग्रेस की तरफ रुख कर लिए और उन्हें टिकट की चाह भी रही। ऐसे में देखा जाए तो क्या सिंधिया का रुख कांग्रेस खेमे की तरफ रहेगा या फिर नहीं? सिंधिया ने यहां पर तमाम सवालों का जवाब देते हुए इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में डंकी की चोट पर अपनी बात रखी है। सिंधिया का साफ तौर पर कहना रहा है यहां पर तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर और दूसरी ही तरफ सिंधिया ने सीएम फेस को लेकर भी अपनी बात रखी। दरअसल सिंधिया से हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो वह क्या करेंगे। सिंधिया कहते हैं यही सवाल 2013 में पूछा गया, यही सवाल 2018 में पूछा गया और अब 10 साल बाद फिर मुझसे यही पूछा जा रहा है। मैंने तब भी कहा था कि मैं इस दौड़ में नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं एमपी की जनता का, जो भी आदेश मेरी पार्टी करेगी उसका मैं पालन करूंगा लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। लेकिन सिंधिया से जब पूछा गया कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में वापसी हो रही है, सिंधिया का कहना रहा कि मैं आश्वस्त ऐसा ही होगा, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड विकास, समावेशी विकास और विस्तारित विकास का रहा है, ऐसे में मैं कॉन्फिडेंट हूं मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को जीत का आशीर्वाद देगी और दोबारा से ही हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन यहां पर बात की जाए अगर कांग्रेस खेमे के बारे में तो सिंधिया ने कमलनाथ पर अपनी बात रखी कि कमलनाथ पर उनका जो बीजेपी कमलनाथ को करप्शन नाथ बताती है उस पर उनका क्या कहना है। वह कहते हैं कि उनके 18 महीने के कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार विश्व स्तर पर पहुंच गया था, कमलनाथ ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। वहीं उनसे पूछा गया कि वह कांग्रेस को याद आते हैं। सिंधिया कहते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस मेरे बारे में बहुत ही सोचती है, मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत याद आता हूं, मेरे बारे में सोचते सोचते कांग्रेस हर बार इधर उधर ही हो जाती है। और यहां पर देखा जाए तो सिंधिया से यह सवाल भी पूछा गया कि जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है कांग्रेस उन पर निशाना साध रही है और यहां पर क्या वाकई में उन्होंने धोखा दिया है। सिंधिया कहते हैं कांग्रेस मुझे जितनी भी गालियां दे उनका स्वागत है, मुझे कोई बैर नहीं कांग्रेस से, इन्होंने मेरे परिवार को भी गालियां दी, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के लिए अपनी जान दे दी मेरे पिताजी कांग्रेस की रैली में जाते हुए शहीद हुए, हिम्मत नहीं थी कि उनकी जब मेरे पिताजी कांग्रेस में थे या मैं कांग्रेस में था, तो ये सब चीजें कहने के लिए आज कहां से आ गया, नया इतिहास पढ़ रहे हैं क्या, ये अंग्रेजों का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसी अंग्रेजों के इतिहास को हमें खत्म करना।
कहना है। और इस तरह से यहाँ पर सिंधिया ने अपनी बात रखी, और सिंधिया का कहना यहाँ पर दिग्विजय को लेकर भी रहा। दिग्विजय सिंह का मैं आज भी सम्मान करता हूँ, ना मेरा कमलनाथ से ना दिग्विजय से बैर है, मैं एमपी की जनता का विकास और प्रगति का रास्ता प्रशस्त करना चाहता हूँ। अगर कोई भी उस रास्ते में बाधा बनेगा तो सच्चाई जनता के सामने पेश करना मेरा धर्म है। इस तरह से सिंधिया ने यहाँ पर कांग्रेस खेमे को लेकर बात रखी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की कुल 34 सीटों में से कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली, और 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर गई। 22 विधायकों के साथ कांग्रेस और विधायकी से इस्तीफा दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और अपने विधायकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या सिंधिया यहाँ पर अब कांग्रेस की तरफ वापसी करेंगे या फिर नहीं? तो सवाल यहाँ पर पूरी तरीके से देखा जाए तो उत्तर मिल चुका है, सिंधिया अब कांग्रेस की तरफ कभी रुख नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सिंधिया और उनके परिवार को लेकर क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस खेमे के लिए। मालूम हो कि 16 साल की दोस्ती रही है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ऐसे में यहाँ पर देखा गया है कि किस तरह से यहाँ पर सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आई है। तो पब्लिक यहाँ पर सिंधिया को लेकर क्या कुछ कहती है, सुनिए जरा। जो है मध्य प्रदेश से आप आए हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, चुनाव भी नजदीक है मध्य प्रदेश में, कैसे आप चुनौती को जो है सामना करते हुए? हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी है घोषणा वीर है, वो 25,000 से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं जिन्हें बिल्कुल पूरी नहीं। हर हफ्ते नारियल फोड़ते हैं, लेके चलते हैं, और उनका जाना तय है बिल्कुल। आज तो फोड़ दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को तो फोड़ दिया था ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से जो है विदाई ले ली। सिंधिया जी का जनाधार उनके साथ ही चला गया, उनका अब कोई जनाधार, उनका जनाधार सिर्फ पार्टी में रहने से था। कहते तो है कि सिंधिया के बिना मध्य प्रदेश अधूरा है, सिंधिया जिसके कुल बात गलत है, सिंधिया कांग्रेस की वजह से सिंधिया थे, आज सिंधिया बीजेपी में है तो उनका कोई जवाब है। मध्य प्रदेश में तीन तरह की भाजपा है, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा, और अब इस तीनों भाजपाओं का मिलके अंत होने वाला है। महाराज भाजपा तो हावी है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चंबल में सिंधिया का अस्तित्व उनके बीजेपी में जाने से ही खत्म हो गया उनका अस्तित्व। सिंधिया तो मुख्यमंत्री बनना है, भाजपा के पास जो है वोट बैंक ज्यादा है, सिंधिया तमाम समुदाय के वोट बैंकों को रखते हैं, आदिवासी वोट बैंक। एक बार सिंधिया जी को घोषणा करके देख ले मुख्यमंत्री चेहरा, अगर जमानत जब्त ना हो जाए मध्य प्रदेश में उनकी, तो आप खुद देख लेना। चंबल क्षेत्र के 16 विधायक उनके साथ गए थे, चंबल क्षेत्र के 16 विधायक उनके साथ गए थे, मुरैना से भी कुछ विधायक गए थे, वो सारे हार गए, मंत्री पद पे थे वो भी हार गए। क्या रहते आप? कितने जीते थे मध्य प्रदेश से चुनाव? जब सिंधिया साथ गए थे तो कितने जीते? पूरे जीत जाते 40 से भी आने विधायक गए थे, बाकी के मुरैना जिले से सभी हार गए थे ना, चंबल से सब हारे थे ना, एक दो जीत गए थे ना, बाकी के सिंधिया जी की हार हो रही है। कमलनाथ जो है अपने दम पर चुनाव लड़ लेंगे? कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिल्कुल। तो कमलनाथ जो है इस बार किस रणनीतियों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता क्या पसंद कर रही है? कमलनाथ के साथ जनता है, विश्वास है कमलनाथ जी के, विश्वास है जनता। और अगर कमल आप, हम घोटालों से त्रस्त आ चुकी है, एक के बाद घोटाले, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, एक के बाद युवा परेशान हो चुका है शिवराज मामा से, एक के बाद घोटाले किए जा रहे हैं व्यापम में, और उसके भाजपा के विधायक घर घर दारू सौंपने का काम करते हैं, हर गांव दारू पहुंचाने, कंट्रोल मिले या ना मिले मगर दारू का ठेका आपको हर गांव में मिलेगा। साथ आप अत्याचार देख रहे हैं आदिवासियों के साथ आप अत्याचार। सवाल तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम पहुंचे तो कमलनाथ भी बागेश्वर धाम पहुंच गए जी, वो उनकी श्रद्धा है, वो किसको मानते हैं, सबकी अपनी अपनी हिंदू धर्म है तो भगवान को ही पूजेंगे मानेंगे, पर रहे की नकल कर रहे हैं कमलनाथ शिवराज की नकल कर रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो श्रद्धा करेंगे सारे, कौन क्या भागवत और गीता कुरान नहीं पढ़ सकता, क्या नहीं करवा सकता, सब करवा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। मध्य प्रदेश में क्या कोई का वो है जनाधार के वो चाहेगा वो ही होगा, सब बुला सकते हैं। जो कह रहे थे आप, जितना कमल शिवराज जी को है हक धर्म को मानने का, उतना कमलनाथ जी को, अकेली बीजेपी की हिंदूवादी पार्टी नहीं है वो। आपका विधानसभा क्षेत्र किस पार्टी को पसंद करता है? हमारा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जौरा विधानसभा क्षेत्र, पंकज उपाध्याय के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में मुरैना जिले में जौरा विधानसभा क्षेत्र है। ग्वालियर से सिंधिया है तो सिंधिया का वोट बैंक ज्यादा है या फिर जो जौरा क्षेत्र है वहाँ का? मराठा समाज है ही नहीं मध्य प्रदेश में, नहीं है, कहाँ है मुझे उसका समाज बताएं, उसका वोट बैंक बताएं। बिल्कुल सिंधिया का कोई जनाधार नहीं बचा, उनका जनाधार कांग्रेस पार्टी में से था, उनका जनाधार बीजेपी में। सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते तो स्वीकार है सिंधिया? नहीं नहीं, जब पार्टी का हमको स्वीकार नहीं है, पार्टी के ऊपर नेता पर जनता बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं करेगी। लोगों को सिंधिया को कोई जगह नहीं है, बिल्कुल जगह
जनता कोई स्वीकार नहीं करेगी। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री, कमलनाथ मुख्यमंत्री। इस बार मुख्यमंत्री कौन मध्य प्रदेश का? कमलनाथ चेहरे पर नेतृत्व में सारे नेता मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनके पास अभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं। बीजेपी पे कम से 5-7-8 चेहरे। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह, प्रदाल पटेल, जाने कितने चेहरे हैं। मध्य प्रदेश 150 बार, 150 बार कांग्रेस, 150 बार कांग्रेस, कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक ही चेहरा कमलनाथ जी। ये सब नए नए हैं ना, ये कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अच्छा भाषण, हाँ। तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जोरा से तमाम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधिया को नकार दिया, ये कह दिया कि अगर सिंधिया घर वापसी करते तो सिंधिया को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और सिंधिया यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के सपना भी देखते आए हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि युवा जो है ये कैसे कमलनाथ की सरकार बनाते हैं और कैसे मध्य प्रदेश में जो है भाजपा पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। क्योंकि भाजपा पार्टी का जो एक आंकड़ा है, जो समीकरण है, वो लगातार ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस बार जो है सरकार बन सकती है फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की। लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने ऐलान कर दिया कि इस बार कुछ भी हो जाए सरकार तो कांग्रेस करेगी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आपने इस समय देख ली। आपने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पब्लिक ने क्या कुछ कहा। अब आने वाले समय में देखना होगा कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से सीएम किसे बनाया जाएगा, क्योंकि इस बार बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। अगर बीजेपी जीत हासिल नहीं करती है तो यहां पर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री कमलनाथ बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन बीजेपी जीत जाती है तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के बदले मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। लेकिन आप क्या कहते हैं इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर, कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।